Welcome everyone, my name is Ashwini Thakur or I am the founder of Esteem Media. How to 10x your business, एक स्टोर से 100 स्टोर कैसे बनाएं, एक स्टोर से 10 स्टोर की शुरुआत कैसे करें, that is what it is. तो पहला स्टेप क्या है, you have to delegate. आपको टीम से कराना पड़ेगा काम, जो भी आज आप काम कर रहे हो उसे टीम से कराना पड़ेगा. You as an entrepreneur needs to be free. एक entrepreneur को free होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको अपने डिस्टिंक्ट फोर्टे पे काम करना है. डिस्टिंक्ट फोर्टे क्या है, ये मेरा फोर्थ पॉइंट है, हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. तो दूसरा जो पॉइंट है इज दैट यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग मशीन्स. मशीन्स का इस्तेमाल कीजिए, जहां भी आप मशीन को यूज कर सकते हैं मशीन को यूज कीजिए. हर जगह हम मशीन को यूज नहीं कर सकते हैं, हर चीज के लिए हम मशीन को यूज नहीं कर सकते, बट देर आर फ्यू थिंग्स जहां पर आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन जगह पर आप मशीन को यूज कीजिए. क्योंकि जब आप टीम को देंगे, देर हैज टू बी समथिंग जो मेजर करे, जो चेक करे काम कैसा हो रहा है. और इसमें जो मशीन है, ना तो उसका मूड स्विंग होता है, ना मशीन छुट्टी मांगती है, ना मशीन कहेगी कि मेरे को बीमार हो रहा हूँ, ये है या कुछ भी है, 24 घंटे आपके लिए काम करेगी. तो जितना ज्यादा हो सके, ऑब्वियसली सारा काम मशीन को नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए, लेकिन जितना काम आप मशीन को दे सके, जो काम मशीन कर सके मशीन को दे दीजिए, काम बेहतर होगा, ज्यादा होगा, बढ़िया होगा. एटीएम आया ना, एटीएम, पहले लोग डरते थे कि एटीएम आ गया और अब कैसे होगा, हम तो बैंक जाकर के पैसे निकालते थे. आज एटीएम कितना ईजी हो गया है, एटीएम यूज करना इंपॉर्टेंट भी हो गया है, बेस्ट मशीन है वो एटीएम. तो इट इज हेल्पिंग पीपल. ऐसा नहीं है कि नौकरियां चलेगी, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई एवोल्यूशन आती है, नई नौकरियां होती हैं. हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम वो सोच नहीं रखते कि डाउनफॉल वाली, हम सोच रखते हैं एम्पावरमेंट वाली, न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाली. तो आपको मशीन का इस्तेमाल करना है और नई टेक्नोलॉजी को यूज करना है, दैट इज सेकेंड पॉइंट. एंड थर्ड पॉइंट इज क्रिएट सिस्टम. सिस्टम और प्रोसेस बनाने पड़ेंगे आपको. सिर्फ आपने काम दे दिया, जैसे अगर आप काम कर रहे हैं, आपको सिस्टम प्रोसेस की शायद जरूरत नहीं है, होगी वैसे तो हर किसी को होती है, लेकिन मान लीजिए आप अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, आपको सिस्टम प्रोसेस की जरूरत नहीं है, कोई आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जब आप टीम से काम कराते हैं, बहुत सारी चीजें मेजर करनी पड़ती हैं, जब लोग मिलकर के काम करते हैं, उनका काम प्रॉपर हो, सही तरीके से हो, इसलिए सिस्टम और प्रोसेसेस डाले जाते हैं. तो आपको हर एक चीज का सिस्टम एंड प्रोसेस बनाना पड़ेगा. जो आपने काम आउटसोर्स करा है, उन सब का सिस्टम और प्रोसेस बनाना पड़ेगा. शुरुआत ऐसे होगी, फिर ऐसा होगा, फिर ये होगा, आगे ये होगा, इस तरह से आपको पूरा प्रोसेस बनाना पड़ेगा, पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा. क्योंकि आप सेल्फ टू टीम जा रहे हैं बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए. कैसे करेंगे आप, पहले आपको जो आप काम कर रहे हैं वो टीम से कराना पड़ेगा, और टीम से बेहतर काम कराने के लिए सिस्टम डालने पड़ेंगे. व्हेन द सिस्टम एंड टीम वर्क टुगेदर, नाउ You own the business, you do not run the business. अब आप business को चला नहीं रहे, अब आप business को own करते हैं, business चलता है. Team और process system से मिला करके आपका business चलता है. ये वो stage है जब आप इसको multiply कर सकते हैं. लेकिन अगर आप खुद ही business के अंदर हैं, आप उसे multiply नहीं कर सकते. तो पहला step था, आपने team को दिया, machine का use किया, systems processes डाले. सिस्टम प्रोसेसेस डाले, नाउ आपके पास डेटा है, आप डेटा से एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं. एट दिस स्टेज यू आर रेडी टू मल्टीप्लाई योर बिजनेस. और नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप तो फ्री हो गए, क्या करोगे? अब आपने टीम को दे दिया, सिस्टम को दे दिया, अब आप तो फ्री हो गए, अब आप क्या करोगे? अब आपको, आप क्यों फ्री हो रहे हो? पहली चीज, आप इसलिए फ्री हो रहे हो क्योंकि आप अपने डिस्टिंक्ट फोर्टे पे काम करना चाहते हो. डिस्टिंक्ट फोर्टे क्या है आपका? वो चीज जिसकी वजह से आपने बिजनेस शुरू करा था, वो चीज जो आपका कोर पर्पस है, जो आप एक्चुअली कस्टमर को दे रहे हो. वर्कशॉप जो मेरी होती है 5 डे की, वहां पर मैं इसको इन डेप्थ समझाता हूं. एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, तो हर बिजनेस एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हर एक बिजनेस एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बाकी सारी चीजें साइड इफेक्ट है. कि क्या प्रोडक्ट सेल करते हो, क्या सर्विस सेल करते हो, वो अलग चीज है, लेकिन हर बिजनेस एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है. तो आपका जो बिजनेस जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो आपका कोर पर्पस है. फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी का कोर पर्पस है
to empower entrepreneurs with digital marketing solution so that they can grow their business. Entrepreneur business owners अपने business को grow कर सकें digital marketing solution से, ये मेरी company का core purpose है. ये सोच के मैं सुबह उठता हूँ, यही सोच के मेरा sales team जो है यही दिमाग में रख के सेल करता है, मेरा राइटर यही सोच के स्क्रिप्ट लिखता है, मेरा एडिटर यही सोच कर एडिट करता है, हमारी पूरी टीम सेम पेज पे है, सेम कोर पर्पस के लिए काम करती है और मैं भी पूरी तरह उसी कोर पर्पस पे काम करता हूं और मेरा डिस्टिंक्ट फोटे है इसको फुलफिल करना, मैं सिर्फ इसी में काम करता हूं। अब उसको करने के लिए कुछ प्रोडक्ट है, कुछ सर्विसेज है, वो नेक्स्ट है। वैसे ही आपका डिस्टिंक्ट फोटे क्या है वो आपको सिर्फ उस पर काम करना है। जिसमें आप ठीक नहीं है, जिसमें आप अच्छे नहीं है, उस काम को करी क्यों रहे? एंटरप्रेन्योर होने का फायदा ही है कि आप वो काम डेलीगेट कर सकते हैं जिसमें आप अच्छे नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है और जो रेवेन्यू जनरेट नहीं करता। आपको सिर्फ वो काम करना है जो प्रॉफिट जनरेट करता है, जिससे आप बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। रनिंग द बिजनेस में अगर आप लग गए तो यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो द बिजनेस। So this is the fourth thing which is you have to work on your distinct forte.